प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में गजक कूटी। उन्होंने गजक पर खूब हथौड़े चलाए। मंत्री के इस अंदाज पर हाल ही के दिनों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नरेंद्र सलूजा ने चुटकी ली। सलूजा ने ट्वीट में कहा, मंत्री जी दौरे पर थे, किसी ने बता दिया कि गजक का नाम कांग्रेस है, बस क्या मंत्री जी ने जमकर कूट दिया। तोमर भी कभी कांग्रेस में रहे हैं, 2020 में सिंधिया के बीजेपी में जाने पर उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। मंत्री आज सुबह 6 बजे भोपाल से ग्वालियर आए, नंगे पैर किला गेट पहुंचे, यहां लोगों के साथ चबूतरे पर बैठकर चर्चा की। सुबह का समय था और ठंड भी थी, इस दौरान सड़क किनारे बैठे लोगों के साथ ऊर्जा मंत्री ने अलाव भी तापा। चाय की चुस्कियों के बीच लोगों से हालचाल जाना, पूछा कोई परेशानी तो नहीं। बता दें, अपने क्षेत्र की 3 सड़कें बनने तक मंत्री ने जूते चप्पल त्याग दिए हैं, वे 3 महीने से नंगे पैर ही कहीं आ जा रहे हैं। किला गेट पर टहलते समय ऊर्जा मंत्री एक घर में पहुंचे, यहां गजक बनाने के लिए कारीगर गजक कूट रहे थे। यह देखकर ऊर्जा मंत्री से रहा नहीं गया, पहले उन्होंने गजक बना रहे कारीगरों से बातचीत की और फिर उनका लकड़ी का हथौड़ा लेकर उनके साथ गजक बनाने का योगदान दिया। अपने साथ आए लोगों को गजक भी खिलाई। मंत्री एक घर में पहुंचे, वहां महिला से बोले, समस्या दूर हो गई, पहले पानी के लिए कैसे लड़ती थी, अब तो खुश हो, कितने साल से पानी की समस्या थी। महिला बोली, बहुत साल की, 25 साल की। मंत्री ने फिर कहा, 25 साल की पानी की समस्या दूर हो गई, खुश हो, अब तो रोड भी सही हो गई।